हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी कंप्यूटर एकेडमी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ नेस्टेड फॉर्मूलाज इन एक्सेल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दोस्तों, नेस्टेड फॉर्मूलाज क्या होता है? बेसिकली फॉर्मूला के अंडर जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग नेस्टेड फॉर्मूलाज बोलते हैं। सो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे फॉर्मूला सेट करना है। सो दोस्तों, एक एक क्राइटेरिया हम लोग सेट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला क्राइटेरिया ये है, ऑल शुड फुलफिल। तो अगर विकास सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाता है तो ही वो पास गिना जाएगा, नहीं तो वो फेल गिना जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ इज इक्वल्स टू इफ। तो इफ के बाद मुझे दोस्तों कंपलसरी है ये कि सब में पास होना चाहिए, तो एंड आ जाएगा। सो एंड डाल दिया मैंने। अब एंड के बाद मेरा पासिंग मार्क्स है 35 सारे में, तो ये सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35। अगेन दिस सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। अगेन कॉमा दिस सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। देन वो हो जाएगा क्या दोस्तों? पास हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा पास, अदरवाइज हो जाएगा फेल। ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये फेल हो गया है क्योंकि ये हिस्ट्री में फेल हो गया है, 31 मार्क्स आया। अगर मैं 36 कर दूंगा तो ये पास हो जाएगा। सो अगेन नेक्स्ट है यहाँ पे सुरेश करके जो है, उनका ये क्राइटेरिया है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हो गया तो पास गिना जाएगा सुरेश, नहीं तो फेल गिना जाएगा। सो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू इफ, फिर और यूज कर सकते हैं, और उसके बाद सेम दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, अगेन कॉमा दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा पास, अदरवाइज फेल। ब्रैकेट लॉस कर लिया, एंटर कर लिया, ये मेरा आउटपुट आ चुका है। सही पकड़े हैं। सो अब तीसरा क्राइटेरिया दोस्तों मेरा ये है कि यहाँ पे कोई भी वन और टू साइंस या तो हिस्ट्री में किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो पास हो जाएगा तो पास गिना जाएगा, और बट ज्योग्राफी में कंपलसरी पास होना ही चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इज इक्वल टू इफ। अब क्या है मेरा लास्ट, मेरे को लास्ट से फर्स्ट पे जाना है, तो ज्योग्राफी का मेरा क्राइटेरिया ये है कि ज्योग्राफी में वो पास कंपलसरी होना चाहिए। तो कंपलसरी होना चाहिए मतलब क्या आ जाएगा, एंड फिर साइंस और हिस्ट्री में किसी एक में पास हो गया तो पास गिना जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? और अब और में क्या है भाई, दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, अगेन कॉमा दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, अब एंड स्टार्ट हो जाएगा मेरा यहाँ पे, दिस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, ब्रैकेट क्लोज, टू टाइम्स, कॉमा पास, अदरवाइज फेल। सो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब यहाँ पे गणेश क्या बोलता है? गणेश ये बोलता है किसी भी दो सब्जेक्ट में अगर गणेश पास हो जाएगा तो वो पास गिना जाएगा, नहीं तो फेल। तो किसी भी दो सब्जेक्ट मतलब कोई भी दो हो सकता है, वो या तो साइंस या हिस्ट्री हो सकता है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो सकता है, या तो और कोई भी दो सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू इफ, फिर यहाँ पे आ जाएगा और, क्योंकि मुझे किसी भी दो सब्जेक्ट में चाहिए, तो और आ जाएगा, फिर एंड आ जाएगा, फिर यहाँ पे लगा हुआ दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, अगेन कॉमा दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉमा, एंड दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, अगेन कॉमा दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अगेन एंड दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35, अगेन कॉमा, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ब्रैकेट क्लोज, टू टाइम्स, कॉमा कर दूंगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो गई तो पास हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए दोस्तों मेरा आउटपुट आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे 32 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ, बिकॉज ये दोनों में से किसी एक में पास, किसी दोनों में पास होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सब में ही फेल है वैसे तो ये, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 36 और यहाँ पे कर देता हूँ 45। ये देखिए दोस्तों पास हो चुका है। अब लास्ट ऑप्शन है मेरा, लास्ट यहाँ पे हिमेश बच चुका है। तो हिमेश का क्राइटेरिया ये है कि सारे के सारे में वो पास होना चाहिए, प्लस उसका टोटल जो है वो 120 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे इज इक्वल टू इफ एंड। एंड क्यों लगाएंगे? क्योंकि कंपलसरीली पास होना चाहिए, इसके लिए एंड लगाएंगे।
फिर यहाँ पे दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कॉमा दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35 अगेन कॉमा दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 35 अगर ये सारे के सारे में पास हो जाता है प्लस कॉमा सम ऑफ ऑल दिस शुड बी ग्रेटर देन 120 अगर ये चारों फुलफिल हो गए तो क्या हो जाएगा पास अदरवाइज फेल ब्रैकेट क्लोज एंटर ये देखिए दोस्तों यहाँ पे फेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 33 मार्क्स आया अगर इसको 35 कर देता हूँ इसको भी 35 कर देता हूँ फिर इसको 35 कर देता हूँ तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि उसका टोटल 120 नहीं है 105 है बट यहाँ पे अगर 60 कर देता हूँ तो ये पास हो चुका है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया तो दोस्तों यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था नेस्टेड फॉर्मूलाज तो और भी नेस्टेड फॉर्मूलाज के ऊपर टॉपिक लेके आऊंगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल पे जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर